चुनावी खबरें, मतलब सिर्फ और सिर्फ एमपी न्यूज। नमस्कार, एमपी न्यूज के इस एक्सप्लोसिव सर्वे में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी खबरें मतलब सिर्फ और सिर्फ एमपी न्यूज। जी हां, एमपी न्यूज आपको बताएगा कि हिंदुस्तान के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें आखिर सियासी नब्ज क्या संकेत देती है, स्थानीय समीकरणों से लेकर एमपी न्यूज के संवाददाताओं की बड़ी टीम ने क्या सर्वे किया है और किस तरह से जनता के मन के जो सवाल हैं वो अब जनमत के रूप में तब्दील होने वाले हैं। आखिर वो कौन सा सर्वे है जो कि सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा सकता है और इस सर्वे के जरिए क्या वाकई में हम आकलन लगा सकते हैं कि आने वाला कल यानी कि मध्य प्रदेश का भविष्य किस राजनीतिक दल के साथ जाएगा, कौन से दल को सत्ता मिलेगी और कौन सा दल विपक्ष का धर्म निभाएगा। एमपी न्यूज के सुपर सर्वे में हम आपको बताएंगे कि 28 सीटों पर वो कौन सी तस्वीरें हैं जो कि फिलहाल जानना समझना बेहद जरूरी है और वो कौन से पहलू हैं, किन मुद्दों के आधार पर मध्य प्रदेश की जनता यहाँ पर अपना मत देने का पूरा पूरा मन बना चुकी है। एमपी न्यूज के सुपर सर्वे में हम आपको अलग अलग खंडवार ये बताने की कोशिश करेंगे कि मालवा निमाड़ का क्या हाल है, ग्वालियर और चंबल में क्या चुनावी दंगल चल रहा है और सबसे पहले ये भी बताएंगे कि किस राजनीतिक दल के साथ जनमत जाता दिखाई दे रहा है। एक विश्लेषण होगा, एक सटीक आकलन होगा जिसके आधार पर हम ये दावा करने जा रहे हैं कि एमपी न्यूज के सुपर सर्वे में इस राजनीतिक दल को इतनी सीटें मिलने वाली हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मालवा से। जी हाँ, मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है और मध्य प्रदेश के जब दिल की धड़कन की बात हो तो मालवा का नाम खुद ब खुद जुबां पर आ जाता है। मालवा की ये 5 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से निर्णायक सीटें मानी जाती हैं। इनमें सांवेर, हाट पिपलिया, बदनावर, आगर मालवा और सुवासरा जैसी महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें आती हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों की, कई दिग्गज चेहरों की प्रतिष्ठा और साख दांव पर लगी है। ऐसे में क्या वाकई में इस सर्वे में कुछ हिला देने वाला है या ये सर्वे सत्ता के साथ जाता दिखाई देता है। तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट युवराज सिंह पुरावत से। युवराज, बताइए क्या वाकई में एमपी न्यूज के सुपर सर्वे में मध्य प्रदेश की 28 सीटों की जब बात की जाती है तो तस्वीर और सियासी समीकरणों के साथ साथ स्थानीय संकेतों के साथ क्या मुद्दे हैं जो कि मालवा की इन 5 सीटों पर उभरते नजर आते हैं? जी हाँ महेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले एक माह से एमपी न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए सर्वे का डेटा इकट्ठा कर रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में एमपी न्यूज़ की टीम जो है वो सटीक विश्लेषण कर रही है और ये आपको सीधे सीधे आंकड़ा बताएगी कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी जीत दर्ज करेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब कुछ ही दिन बचे हैं मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने में और 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि वो कोई भी पार्टी, वही पार्टी मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतेगी जो कि मालवा का किला फतह करेगी। मैं आपको बता दूँ कि मालवा में तकरीबन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सिलसिलेवार मैं आपको सभी सीटों का विश्लेषण बताऊंगा और कौन सा समीकरण बैठ रहा है किस सीट के लिए उसकी भी जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं सांवेर सीट से। जी हाँ, सांवेर सीट जो है वो हॉटकेक बनी हुई है इस उपचुनाव में। सांवेर सीट में कोई सा भी समीकरण सामने नहीं आ रहा है, एक तरीके से पहली बनी हुई है सांवेर उपचुनाव में। जी हाँ, यहाँ से बीजेपी की तरफ से तुलसी सिलावट अपना भाग्य आजमा रही हैं तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद गुड्डू किला लड़ा रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों ही नेता बागी हैं और ये जो बागी का जो समीकरण है कहीं ना कहीं निष्फल हो जाता है इस सीट के लिए। और वहीं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सांवेर सीट पर संघ जो है वो लगातार ग्राउंड फील्डिंग कर रहा है और ऐसे हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता हैं जो कि पिछले कई माह से पसीना बहा रही हैं इस सीट को हासिल करने के लिए। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लिए प्रेमचंद गुड्डू और उनकी टीम लगातार कई महीनों से ग्राउंड फील्डिंग कर रही है और किसी भी कीमत पर कांग्रेस इस सीट को नहीं छोड़ना चाह रही है। जीतू पटवारी लगातार इस सीट पर फील्डिंग कर रही हैं, लगातार जीतू पटवारी समीकरण ऐसे बांधना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो आकर्षित हो। वहीं मैं आपको बता दूं कि सांवेर सीट पर कुछ भी कहने की स्थिति में कोई नहीं है, यहाँ पर कांटे की टक्कर होनी है और राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि जो कोई पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करेगी वो महज 2 या 3 हज़ार वोटों से ही के अंतराल से ही जीत दर्ज करेगी।
अब मैं बात करता हूँ हाट पिपलिया सीट की। जी हाँ, यहाँ से बीजेपी की तरफ से मनोज चौधरी अपना भाग्य आजमा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राजवीर सिंह बघेल अपना किला लड़ा रही हैं। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर होने की पूरी पूरी संभावना है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण अपना बड़ा रोल अदा करेंगे। यहाँ पर खाती समाज और राजपूत समाज के बहुमूल्य वोट इस सीट पे आते हैं, और जो कोई इन दोनों समाजों को अपनी ओर खींचेगा वही व्यक्ति हाट पिपलिया सीट पर जीत दर्ज कर पाएगा। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर बनी हुई है मनोज चौधरी और राजवीर सिंह बघेल के बीच में। अब बात की जाती है बदनावर सीट पे। जी हाँ, बदनावर सीट पर बीजेपी की तरफ से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव किला लड़ा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कमल सिंह पटेल अपना भाग्य आजमा रही हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि कमल सिंह पटेल एक तरीके से सेनापति के तौर पर काम किया करते थे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के लिए, परंतु आज कमल सिंह पटेल ही उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का भारी पड़ रहा है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भंवर सिंह शेखावत, जो कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता है इस क्षेत्र से, वो कहीं ना कहीं उलटफेर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो वोट काट सकते हैं बीजेपी के लिए, ऐसा राजनीतिक पंडितों का ये मानना है। परंतु उसके बावजूद भी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की स्थिति यहाँ पर काफ़ी मजबूत बनी हुई है। बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी कि कमल सिंह पटेल कितने वोट काट पाएंगे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के। वहीं अब अपन बात करते हैं सुवासरा सीट की। जी हाँ, मंदसौर से ये लगी हुई सीट है, और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हरदीप सिंह डंग किला लड़ा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राकेश पाटीदार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुवासरा सीट भी एक तरीके से कांटे की टक्कर बनी हुई है दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में, और ये सुवासरा सीट एक तरीके से चुनाव के रूप में देखा जाए तो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहां पर सत्ता की परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। जी हाँ, पिछले चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर मंदसौर गोलीकांड भी हुआ था, और उसके बाद ही राहुल गांधी ने भी यहाँ पर सभा ली थी, और तमाम ऐसी सुर्खियाँ बटोरी थी इस सीट ने, क्योंकि मंदसौर जो गोलीकांड हुआ था वो कहीं ना कहीं किसानों से संबंधित मुद्दा था, और यहाँ पर जो किसानों का मुद्दा है वो निश्चित तौर पे एक बड़ा रोल अदा करेगा। बहरहाल यहाँ पर इस सीट पर भी कांटे की टक्कर बनी हुई है, और ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि यहाँ से कौन जीत दर्ज करेगा। अब आखिरी जो सीट है मालवा की, वो बची हुई है आगर मालवा की सीट। जी हाँ, इस सीट को संघ का गढ़ कहा जाता है। इस सीट से ऐसे कई नेता हैं जो कि संघ में अपना परचम लहरा रही हैं, और इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की तरफ से विपिन वानखेड़े यहाँ पर अपना चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से बंटी ऊंटवाल किला लड़ा रही हैं। बहरहाल यहाँ पर भी राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि यहाँ पर जो कोई प्रतिभागी जीत दर्ज करेगा वो महज 2 से 3 हज़ार वोटों के अंतराल से ही करेगा। बहरहाल यहाँ पर विपिन वानखेड़े का पलड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा भारी पड़ रहा है। बहरहाल बंटी ऊंटवाल जो है उनके साथ में पूरा का पूरा संघ फील्डिंग कर रहा है, और ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि बंटी ऊंटवाल इस सीट को नहीं ले जा सकते हैं। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर युवराज, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनता के लिए, एमपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए ये बड़ा अपडेट है कि मालवा को मध्य प्रदेश की धड़कन भी कहा जाता है, और मालवा और निमाड़ ये दो ऐसे बड़े खंड हैं, बड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ से सियासत की दशा और दिशा दोनों तय हो जाती है। ऐसे में मालवा की 5 सीटों पर यदि हम बात करें तो तकरीबन 1 से 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, यानी कि कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन बची हुई 3 सीटों पर जरूर जो है जनता हल्के रंग से ही जाए, लेकिन अपने मन की जो बात है वो मध्य प्रदेश से साझा कर रही है। बहरहाल एमपी न्यूज के सुपर सर्वे में इतना तो साफ है कि जनता जो एरियल सर्वे में तमाम संकेत दे रही है, जिन स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट करने का मन बना रही है, वो जरूर यहाँ पर कोई बड़े उलटफेर की ओर इशारा तो नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि दल बदल की राजनीति भी कई विधानसभा सीटों पर आकर सिमट जाती है, क्योंकि बागी चेहरे दोनों ही राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हैं। ऐसे में सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं, जो अब बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनकी भाग्य का फैसला भी जनता जनार्दन को करना है, और उसी के साथ साथ मालवा की 5 सीटों में से 2 सीटों को यदि छोड़ दिया जाए तो 3 सीटें जो हैं वो सत्ता की लहर के साथ जाती नजर आ रही हैं। 2 सीटों पर फिलहाल कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है। इसी के साथ साथ यदि हम निमाड़ की 2 सीटों की बात कर लें तो नेपानगर और मांधाता ये 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर बनी हुई है। सीधे तौर पर कहा जाए तो यहां पर एक पर कांग्रेस तो एक पर बीजेपी आती फिलहाल तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये एरियल सर्वे है। हम बार बार कह रहे हैं कि जनता जनार्दन से तमाम पूछे गए सवालों के आधार पर किया गया ये एरियल सर्वे है, जो हमें महज ये दिखा रहा है कि हवा आखिर
21 और चल रही है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 10 नवंबर की तारीख को ही तय होगा। तो मालवा और निमाड़ की यानी कि कुल मिलाकर 7 सीटों की बात करें तो इसमें से तकरीबन 4 सीटों पर तो जो है कांटे की टक्कर का मुकाबला नजर आता है, लेकिन बाकी सीटों पर सत्ता की लहर यानी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का असर भी यहां पर दिखाई पड़ता है। देखना बहुत लाजमी होगा कि टिकाऊ और बिकाऊ के बीच का ये चुनाव जो कि गद्दार और वफादार जैसे शब्दों तर जा सुनता है, उसमें जनता जनार्दन कैसे सूझबूझ दिखाती है और लोकतंत्र के इस महापर्व में जो कि इस उपचुनाव के तौर पर उभरा है कैसे अपनी आहुतियां देती है। आप कहीं मत जाइएगा, मालवा और निमाड़ के बाद हम आपको ग्वालियर और चंबल भी ले चलेंगे, उसके बाद भोपाल और बुंदेलखंड की तस्वीर भी बताएंगे और मध्य प्रदेश की 28 में से कितनी सीटें हाथ के पंजे यानी कि कांग्रेस के साथ जाती दिखाई दे रही है और कितनी सीटें बीजेपी का कमल खिला रही है, ये तमाम आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे। लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ, यहां पर चुनावी खबरें सिर्फ और सिर्फ एमपी न्यूज। आई है फिर वोट देने की बारी, नेताजी दिखा रहे दमदारी। हो रहा शोर कहीं टक्कर कहीं बराबरी, जनता है जनार्दन दिखाएगी होशियारी। खबरों का खिल रहा संसार, एमपी न्यूज भी है तैयार। सोच समझ फिर वोट कर, जनता है समझदार सारे मुद्दे जोड़कर। देखेगी परखेगी फिर देगी मत, एमपी न्यूज पर मिलेगा एमपी का जनमत। खबरचियों की भीड़ में सबसे अलग सबसे निराला, एमपी न्यूज ही बताता सच का निवाला। देखेंगे दिखाएंगे सबको बताएंगे, चुनावी खबरें मतलब सिर्फ और सिर्फ एमपी न्यूज।